नमस्कार, सिटी हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के साथ पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। छतरपुर में भी आम आदमी पार्टी की इस जीत का असर देखने को मिल रहा है। छतरपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक जबरदस्त रैली निकालकर इस जीत का जश्न मनाया। आज के सिटी हॉल में दिल्ली की इसी जीत को लेकर छतरपुर के कनेक्शन को तलाशने की कोशिश करेंगे और इस सिटी हॉल में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, जिनसे दिल्ली के नतीजों का विश्लेषण तो करेंगे ही, साथ ही ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि दिल्ली के ये नतीजे छतरपुर में कितना असर डाल सकते हैं। क्या दिल्ली में भाजपा की जो स्थिति, जो हालात, जो अहंकार जिसे कहा जा रहा है, उसको जो हार का मुंह देखना पड़ रहा है, क्या वैसे हालात मध्य प्रदेश में भी भाजपा के बन चुके हैं? क्या दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस को नकार कर जनता ने आम आदमी पार्टी को तीसरे मोर्चे के रूप में एक मौका दिया है, क्या मध्य प्रदेश में भी आने वाले दिनों में इसकी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं? इसी बहस को हम शुरू करने के पहले आपको बता दें कि आज सिटी हॉल में हमारे साथ जो खास मेहमान है उनमें आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक है पवन राजापत, जो कि अभी अभी आम आदमी पार्टी की उस रैली से होकर आए हैं जो जश्न में डूबी हुई थी। हमारे साथ हैं भाजपा के बड़े नेता जो कि छतरपुर में जिला उपाध्यक्ष भी हैं, साथ ही अक्सर आप हमारे सिटी हॉल में एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पर उन्हें भाजपा का बचाव करते हुए देखते हैं, ऐसे संजय रिछारिया जी, और साथ ही कांग्रेस की ओर से प्रभात अग्रवाल हैं जो अपने तर्कों के माध्यम से हमारे बीच कांग्रेस का पक्ष भी रखेंगे। सबसे पहले पवन जी, बहुत बधाई इस जीत के लिए आपको। जी धन्यवाद। आपसे ही बात की शुरुआत करेंगे, दिल्ली की जीत को किस तरीके से रेखांकित करते हैं छतरपुर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो? एक बार सभी आम आदमी को, जो भी छतरपुर वासी हैं उन भी को भी हमारी तरफ से पहले हार्दिक बधाई इस जीत की। छतरपुर की दृष्टि से दिल्ली की जीत को अगर हम जोड़ के देखें तो यह है कि एक बार एक जो छतरपुर में अभाव है विपक्ष का, और छतरपुर में क्या समूचे मध्य प्रदेश में विपक्ष का अभाव, अगर कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका निभाती तो शायद भाजपा ने जो 2013 में जीत दर्ज की थी वह जीत दर्ज ना कर पाती। तो वो विपक्ष का अभाव किन कारणों से है समझ में नहीं आता, इतने विधायक होते हुए भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं तो बात थोड़ा सा चिंतनीय है। अब दिल्ली की जीत के बाद जो आज रुझान है, लोगों का जो उम्मीदें बढ़ी हैं और लोगों में एक आम आदमी में आत्मविश्वास जगा है जिसको अभी तक राजनीति से कोई मतलब नहीं था, ना वो भाजपा का था ना वो कांग्रेस का था, तो वो व्यक्ति जो है आज आम आदमी पार्टी से जुड़ा, उसने हम लोगों को बधाइयां दी और हम लोगों को स्वागत किया, तो उसमें एक आत्मविश्वास का कहीं ना कहीं संचार हुआ है और वह आत्मविश्वास जो है उनको हिम्मत देगा कि वह विपक्ष की भूमिका में खड़े हो सके, उन मुद्दों को जिनको मुद्दों को भाजपा दबा रही है, कांग्रेस उठा नहीं पा रही है, उन मुद्दों को आम आदमी पार्टी का वो जो नया कार्यकर्ता है जिसमें एक युवा है जिसमें अनुभवी कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं, वो जो है उस मुद्दों को उठाएंगे और भाजपा का जो एक बिल्कुल खाली स्थान मैदान, खाली मैदान में भाजपा फुटबॉल खेल रही है, उस फुटबॉल में एक अच्छा प्रतिद्वंदी भाजपा को हम अब देंगे, मिल सकेगा। आपके कहने का मतलब जो लोग विकल्प की तलाश में है उनके लिए आम आदमी पार्टी छतरपुर में ही और प्रदेश में भी एक विकल्प का काम कर सकती है। जी जी। संजय जी, यही सवाल आपसे, दिल्ली की जीत का जो सांकेतिक प्रभाव आप देख रहे हैं, थोड़ा सा भाजपा की गाइडलाइन से हटकर हमें बताने की कोशिश करें कि इसका क्या प्रभाव आने वाले दिनों में हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से जब कोई दल जीत प्राप्त करता है तो पूरे देश में उसके अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ता है। जी, आम आदमी पार्टी के जीत से मध्य प्रदेश में इसका या छतरपुर जिले में इसका क्या असर आने वाला है? कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा तो कार्यकर्ता काम करेंगे। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो एक विचारधारा के लोग, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बड़ा दल ऐसा नहीं था कि लोग उससे लालच में या अपने स्वार्थवश जुड़े हों, और उस विचारधारा के व्यक्ति यदि प्रदेश में काम करते हैं तो या छतरपुर में काम करते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए लोकतांत्रिक दृष्टि से। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक तीसरे दल की जरूरत है। जब भी सत्तारूढ़ दल अपना काम करता है तो उसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश के बाद भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को बताने का काम होता है विपक्ष का, जो हमारे विपक्ष में खड़ा है उसका काम होता है उन कमियों को बताना, उन कमियों के बारे में मांग करना, उन कमियों के बारे में आंदोलन करना, धरना करना, जिससे सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित हो और जनता को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। जैसे मार्केट में
जब किन्हीं एक प्रोडक्ट के पीछे कंपटीशन बढ़ता है हाँ। तो सारी कंपनियां उसका ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को लाभ देने की कोशिश करती हैं। इसी तरह लोकतंत्र में जब नीचे की बात को ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश होती है विपक्ष के द्वारा, तो सत्ता में बैठे हुए दल की मजबूरी होती है उन समस्याओं का निदान करना। आप मान के चल रहे हैं कि हेल्दी कंपटीशन एक मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से, और मैं तो पवन जी को बधाई देता हूं और पवन जी से आशा भी करता हूं कि आप जिले के संयोजक हैं, जिले में अपने दल को मजबूत करने की कोशिश करें, पूरे प्रदेश में भी यदि ये खड़ाई होती है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। और हम क्या, मुझे भाजपा के लिए क्या थोड़ा सा गलत नहीं लग रहा? ना ना, ना लोकतंत्र के लिए नहीं, भाजपा को कहीं ना कहीं चिंतित होने की जरूरत नहीं। देखिए मैं एक बात बताऊं, सच ये है कि आम आदमी पार्टी के जो अपने प्रिंसिपल हैं, भाजपा के प्रिंसिपल भी उससे कहीं बहुत दूर नहीं है। दिल्ली में हुआ क्या है, दिल्ली में आपने अपनी बात वहां तक पहुंचा ली लोगों तक, भाजपा कहीं ना कहीं असफल रही वहां तक अपनी बात पहुंचाने में, एक कारण ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि हमारा, हमको जो पिछली विधानसभा में वोट परसेंटेज मिला था उससे मात्र हमारा 0.8% कम परसेंटेज हुआ है वोट, ज्यादा हमारा, हमको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस का 16% वोट कम हुआ, निर्दलियों का 8% वोट कम हुआ, 1% हमारा कम हुआ, ऐसे करके जो 25% सीधा मूव आम पार्टी को चला गया, आम पार्टी की इतनी बड़ी जीत का कारण यह है। भाजपा को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, भाजपा को यह हुआ कि सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन वोट बैंक भाजपा का यथावत रहा। तो भाजपा को जो चाहने वाले लोग हैं, भाजपा का जो वोटर है वो भाजपा से नाराज नहीं है, लेकिन इसके बाहर का जो वोट था जिसको हमें समझाना चाहिए कि हम आपके लिए और बेहतर कर सकते हैं, वो हम नहीं समझा पाए दिल्ली के अंदर। और उसको वो जो स्विंग हुआ वो आप तरफ चला गया, वो हम अपनी तरफ नहीं ला पाए, हमारी कमी सिर्फ इतनी है। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में तीसरा दल खड़ा होगा तो जो विपक्ष सूना हो गया, एक विपक्ष के रूप में दल खड़ा होगा, उससे हमें लाभ होगा। आप देखिए कि पिछले एक साल में जहां जहां चुनाव हुए हैं प्रांतों में, तो भाजपा का फाइट जो है वो तीसरे दल से हुई, कांग्रेस वहां फाइट में नहीं रही, कांग्रेस तीसरे पे चली गई या चौथे पे चली गई। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि कांग्रेस अपने विपक्ष की भूमिका को नहीं निभा पा रही, जैसे भाजपा विपक्ष की भूमिका को निभा लेती है। जब हम जहां सत्ता में नहीं रहते हैं वहां सत्तारूढ़ दल के द्वारा किए हुए गलत कार्य या कमियां को हम आंदोलन से, धरने से, प्रदर्शन से उठाते हैं। तो ये काम जो लोकतंत्र में जनता के हित में विपक्ष का रोल बड़ा होता है सत्तारूढ़ दल से, वो रोल कोई नहीं निभा पा रहा है। तो मध्य प्रदेश में तीसरा दल आता तो मुझे लगता है कि शायद वो जन लोकतंत्र में लोगों के हित में हो। जी प्रभात जी, एक तरह का गैप फिलिंग की बात हो रही है कि जैसा संजय जी ने कहा कि जो वोट शेयर जो मूव हुआ है, जो वोटिंग स्विंग हुई है, वो इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस कमजोर परफॉर्मेंस कर रही है। और दिल्ली में अगर सुपड़ा साफ कांग्रेस का हुआ है तो आने वाले दिनों में पूरे देश में ये हो सकता है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ऐसे में क्या इन परिणामों को मध्य प्रदेश की दृष्टि से या छतरपुर की दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि ये कांग्रेस के लिए अंतिम विदाई है? देखिए जहां तक दिल्ली में जो आज रिजल्ट आए उसके लिए आम आदमी पार्टी को, उनके जिले के संयोजक को, उनके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से आज उनका दिन है और जब जो अच्छा होता है तो सब अच्छा अच्छा होता है। जहां तक रही कांग्रेस की बात, निश्चित रूप से कांग्रेस ने 15 साल तक दिल्ली में शासन किया, उसके बाद बहुत से अच्छे अच्छे काम भी किए, लोगों को बताए, लेकिन हो सकता है वो लोगों की समझ में नहीं आया। पिछले चुनाव में कांग्रेस वहाँ हारी, 8 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में और बुरी स्थिति बनी, वहाँ एक भी सीट नहीं मिली और 60 सीटों में लगभग विधानसभा की भाजपा आगे थी और 7 लोकसभा की सीट भी भाजपा को मिली थी। लेकिन आज उसी भाजपा को वहाँ पे मात्र 3 सीटें मिली, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। वोट परसेंटेज भी यदि लोकसभा से मिलाया तो उनका भी 14-15% वोट गिरा, कांग्रेस का भी गिरा। स्थिति ये हुई है कि जो कांग्रेस का वोट था, जो भाजपा ने अति अहंकार दिल्ली में दिखाया, जो उनके पूरे नेतृत्व ने पूरा प्रयास किया दिल्ली में, प्रधानमंत्री ने भी 5-5 सभाएं की वहाँ, पूरा 130 सांसद और पूरे मिनिस्टर लगे रहे, उसके बाद जो उनने अहंकार व्यक्त किया वहाँ की जनता ने, दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के मतदाताओं ने शायद उसको पसंद नहीं किया और उसके खिलाफ नहीं उनको पसंद नहीं किया, ये तो हम संजय जी से पूछेंगे, कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं किया? कांग्रेस ये अंतिम विदाई है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी। अंकुर भाई आज के समय में कांग्रेस जिन गलतियों के कारण रसातल में गई है अभी भी उसकी समझ में नहीं आ रहा, वही गलतियां भाजपा कर रही है। प्रभात भाई भी अपने टीवी में देख के अपने राष्ट्रीय नेताओं की भाषा बोल रहे हैं, दिक्कत यही है इनसे। जब इनके मिटने की स्थिति पूछो तो ये भाजपा मिट रही है, इसमें खुश है।
आप सुन रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था ये जवाब नहीं होता पॉलिटिकल, आप में क्या कमी थी आप उसके बताएं। जहां तक लोकसभा के चुनाव के परसेंटेज की आप बात करोगे, जनता का जो रुझान बदला है लोग, आप देखिए पिछले उसमें पार्टियों का अपना जो वोट बैंक है उसके अलावा लीडर को भी लोगों ने पसंद किया है, हमने कई चुनावों में देखा है, चाहे वो आपका महाराष्ट्र का हो, चाहे आपका अन्य प्रांतों का हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, वहां लोगों ने लीडर को भी पसंद किया है। लोकसभा चुनाव में लोगों के लिए प्रधानमंत्री के लिए च्वाइस नरेंद्र मोदी, इसलिए 700 सीटें मिली। जो स्विंग आपका वोट आप में चला गया, अभी वही वोट हमको लोकसभा में आ गया था, आप 0 पर चले गए थे। मैं अपनी पूरी बात नहीं कर पाया। संजय जी की मजबूरी है, संजय जी ने जो 4 राज्यों के पिछले विधानसभा चुनाव की बात की, प्रभात जी 1 मिनट के लिए चार राज्यों की संजय जी ने बात करी कि वहां पे जो पिछले विधानसभा 6 चुनाव भाजपा ने जीते, वहां पे कांग्रेस के खिलाफ ही था। हरियाणा में पहले से कांग्रेस थी, 10 साल से थी, 15 साल से महाराष्ट्र में कांग्रेस ही थी, जम्मू कश्मीर में भी मिली सरकार थी लेकिन कांग्रेस उसमें भी शामिल थी, झारखंड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिली जुली थी। मैं उसी पे संजय, वहाँ कांग्रेस हार भी नहीं पाई ना भैया, 3rd पे गए। नहीं, महाराष्ट्र में नेता विरोधी दल कांग्रेस। अरे यार तो लेकिन उसकी जनसंख्या दृष्टि तो 14 पे है, संख्या दृष्टि से 14 पे है। संजय जी विषय यही है कि उसकी ये स्थिति क्यों बनी। मैं ये कह रहा हूँ कि हर पार्टी का अपना एंटी वोटर्स होता है, भाजपा का भी है, जाहिर है कि है, लेकिन वो एंटी वोटर्स जो कांग्रेस में जाता था कभी, अब वो कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं कर रहा है, वो शिफ्ट क्यों हो रहा है, मेरा सवाल ये था। भाई दिल्ली की जहां तक आप बात करें, दिल्ली में निश्चित तौर पर इस चुनाव में कांग्रेस का वोट कमा है, तो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ, और जब मिला आप पार्टी को तो निश्चित रूप से आप पार्टी में उसने ज्यादा संभावनाएं देखी, या जो आप पार्टी ने इस चुनाव में वादे किए वो लोगों को, जैसे आधी रेट पे बिजली, फ्री पानी, लोगों को वो ज्यादा अच्छे वादे लगे, लोगों को ज्यादा भरोसा लगा। कांग्रेस ने जो वादे किए, हो सकता है उनको नल कांग्रेस के वादों पर यकीन नहीं रहा, या कांग्रेस अपने वादों को बहुत अच्छी तरह उन तक नहीं पहुंचा पाई, जो भी कारण रहे हो। एक पूरे देश में जो डाउनफॉल है कांग्रेस का, उसका भी असर दिल्ली को माना जाए। नहीं, लोकसभा चुनाव के दिए सर आप इसको जोड़ेंगे तो फिर लोकसभा चुनाव में तो पहले कांग्रेस का डाउनफॉल हो ही चुका है। मैं कहना चाह रहा था कि वहां पे कांग्रेस पहले से पूर्व से है, तो हो सकता है सत्ता विरोधी रुझान की वजह से हारी हो, आगे वो वहां भी गलतियां जो हो, जैसे मध्य प्रदेश में अभी 2 चुनाव हारे, 3रा चुनाव हारे, निश्चित रूप से यहाँ भी तो कांग्रेस हारी है जी। लेकिन अब इस पूरी बहस को हम अगर छतरपुर के सिनेरियो से देखें तो छतरपुर में भी अमूमन विपक्ष की यही हालत है, कांग्रेस किसी भी बड़े आंदोलन को लेकर नहीं आती, जब से हार का सामना करना पड़ रहा है, 15 सालों से आप विपक्ष में हैं लेकिन विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, ना कि भोपाल में और बाकी अभी भी, चूंकि भाजपा की जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें भी अगर देखें तो ज्यादातर शहरी इलाकों में भाजपा ने जीत दर्ज की, लेकिन आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाने में भी कांग्रेस असफल है। तो क्या इन आशंकाओं को भी देखा जा सकता है कि भविष्य में जो वोट शिफ्टिंग दिल्ली में हुई है क्या वो छतरपुर जैसी जगह पर भी हो सकती है? नहीं, देखिए यहाँ पहले से भी 3रे दल थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अन्य दल पहले से भी यहाँ काम कर रहे हैं, उनका संगठन है। आप पार्टी ने भी पिछले चुनाव विधानसभा का भी लड़े, लोकसभा का भी यहाँ पे चुनाव लड़े थे। वो संगठन बनाएंगे, एक विरोधी दल के रूप में, एक सत्ता, मतलब एक दल के रूप में उनका भी स्वागत है मध्य प्रदेश में, छतरपुर में वो आए, पवन राजावत जी मेहनत करें, अपना संगठन बनाए, निश्चित तौर से वो आएंगे। एक जिस तरह से चुनाव होते ही एक वो पार्टी भी रही, उनका भी दल आएगा, उसका भी सामना किया जाएगा, जनता को च्वाइस मिलेगी, जिसको जनता पसंद करेगी आखिर में जनता जनार्दन है, जिसको वोट देगी जीतेगा आखिर में। रही जहां तक विरोध की बात है, कांग्रेस ने हर वो मुद्दे को उठाया जो मध्य प्रदेश में घटित हो, चाहे वो व्यापक घोटाला हो, लगातार कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक कांग्रेस। हम छतरपुर की बात करें, छतरपुर में 5 वर्षों से यूनिवर्सिटी की घोषणा हो गई है, आज तक काम नहीं हुआ, आप
की पार्टी ने एक सिंगल यूनिवर्सिटी की घोषणा हो गई, अस्पताल 268 बिस्तर की, एक आंदोलन नहीं किया। सब आंदोलन करें, आप आपको पत्रकार हैं, आपके पास पूरी उसकी कटिंग होगी, यूनिवर्सिटी लेकर आप एक आंदोलन नहीं किया। कांग्रेस ज्ञापन दे सकती है, कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन यदि सत्ताधारी दल जिसको लगातार यही होता है, जैसे लगातार उनको बहुमत मिलता जा रहा है, जैसे आज अपने रिसेंट देखिए, आप वही कह रहे हो, अपने आप मेडिकल, कांग्रेस शासन में केंद्र की सरकार थी, दो मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के लिए मिले, एक खंडवा गया, एक बुंदेलखंड के लिए मिले, छतरपुर में बनाना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एक है, उनने उठा के वो मेडिकल कॉलेज, कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ भी, कांग्रेस पार्टी जो यहाँ जनता का आंदोलन बना है उसमें कांग्रेस पार्टी सहभागी, उनका क्या किया, मुझे एक इवेंट बता दीजिए, उनका क्या किया, उनका ज्ञापन देंगे, उनसे मिलेंगे, नहीं किया आप तक, लेकिन आप ये बताइए, सत्ताधारी दल वाले जो वहाँ पे जुड़े, आज आपका नगर पालिका भाजपा की, आप विधायक भाजपा का, आपका सांसद भाजपा का, सब भाजपा की यहाँ जनता बिठा लेगी, और यही के लोग जब वो करेंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि वो काम जिसको जनता ने यहाँ चुना उसको जनता काम देखे, तो उनको मौका मिलना चाहिए, चाहते हैं कि लोग परेशान हो, लोग देखे तब उन्हें समझ में तो आए कि जनता ये लोग जिसको हम वोट दे रहे हैं कि वो क्या कहते हैं। पवन जी, ये जो गैप फिलिंग करने की बात है, कांग्रेस तो वाकई नाकामयाब साबित हो रही है छतरपुर की दृष्टि से भी, क्या आम आदमी पार्टी उस जगह को भर सकती है, आपकी भावी योजनाएं क्या है वो बताते हैं, फिर मैं संजय जी से भाजपा के मुद्दे पे बात करूंगा। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी इस गैप को भरेगी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। भावी योजनाएं तो अभी जो तत्कालिक मुद्दा है वो मेडिकल कॉलेज का है, जैसा कि कुछ दिनों से आप लोगों के प्रयास से और पत्रकारों ने इस संबंध में ज्ञापन भी दिया चल रहा है, तो उसमें यथासंभव जो भी सहयोग बनेगा उसमें हम प्रयास करेंगे कि करें। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, और यूनिवर्सिटी से भी मुद्दा महत्वपूर्ण है रिंग रोड का, जो आए दिन ये घटनाएं घटती हैं रिंग रोड के ना होने की वजह से, शहर में हैवी ट्रैफिक निकलता है और पिछले 2 सालों में कई मौतें हो चुकी हैं उस हैवी ट्रैफिक की चपेट में आने से, तो इन मुद्दों पे अगर कांग्रेस उठाती तो ये कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे कि जो है उनपे काम ना किया जाता या ध्यान नहीं दिया। समस्या ये है कि जब तक जो है ये पार्ट टाइम जॉब की तरह राजनीति की जा रही है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कि जब समय मिला तो सब लोग टी पार्टी के लिए इकट्ठे हुए, हल्की सी मुद्दा हुई, चर्चा कर दिया, चलो चल के ज्ञापन दिया है और अपना इतिश्री कर लेते हैं। ये जो मेंटेलिटी है, ये मानसिकता है, ये उनको जनता से दूर कर रही है, जनता का विश्वास उन्होंने खो दिया है, अब वो आवाज भी लगाते हैं तो लोग इकट्ठे नहीं होते, ये चीज है जी, तो इसको करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल संजय जी, पहले सवाल थोड़ा सा गंभीरता से सुनिए और फिर मैं आपसे जवाब चाहूंगा। दिल्ली में जो चुनाव में भाजपा की हार हुई है, वो स्थितियां मध्य प्रदेश में भी अमूमन, कम से कम मैं किसी और की नहीं कहता, मैं देख रहा हूं, मैं उसी पर अपने नजरिए पे आपका जवाब चाहता हूं। वो अहंकार जो था, जो एक मोनोपोली का अहंकार होता है एक छत्र राज का, वो अहंकार छतरपुर में और पूरे मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। जो लीडरशिप जनता की आवाज उठाने के लिए पहुंचती थी, वो लीडरशिप आप नौकरशाही के हाथ जोड़ती है, वो यहां भी दिख रहा है। कुछ ऐसे काम जिनको लेकर एक लीडर का एक फोन या एक उनकी यात्रा ही उस काम को पूरा करा सकती है, वो आलस यहां के नेताओं का दिख रहा है। मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। छतरपुर में यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई, लगभग 3-4 साल हो गए हैं, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले आप जब चुनाव में जा रहे थे, आपके सांसद प्रत्याशी जो थे या पूरी भाजपा जो थी, वो ये कहती आ रही थी कि कांग्रेस ने फाइल अटका रखी है दिल्ली में, सरकार बनते ही काम हो जाए। इसमें मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट, काम आज तक नहीं हुआ, 9 महीने हो गए। 5 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर के जिला अस्पताल को 268 बिस्तर के विस्तार के लिए घोषित किया था, काम आज तक नहीं हुआ। चंदला में आपने कॉलेज खोला, 2 साल हो गए, मान्यता आज तक नहीं मिली। नौगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, स्टाफ भवन आज तक नहीं मिला। ऐसे कई मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर दफ्तर में जमकर भ्रष्टाचार है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो ऊर्जा देती है आम आदमी को, वो घर में बैठी है। क्या ये आपको नहीं लगता कि ये विस्फोट हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपसे एक बात कही थी, तीसरे दल की आवश्यकता पूरे प्रदेश में इसी वजह से, यानी आप स्वीकारते हैं कि नहीं, सारी चीजें, मेरी पहले पूरी बात सुनिए, आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, मेरी बात को सुनिए, ठीक है ना मुझे नहीं पता कि आपके जो विषय हैं उन विषयों में भाजपा कितनी सहमत है। नहीं, एक मिनट, पहले ये क्लियर करना, आप छतरपुर के एक बड़े नेता हैं, कम से कम आप इस
दावे के साथ तो यहाँ बैठी है कि जो मैं रिसर्च दे रहा हूँ आपको, मैं आपसे वही, क्या वो सही स्वीकार करने लायक है या नहीं? मैं आपसे वही बात कर रहा था, एक्चुअली ये विषय है जनप्रतिनिधियों का, ठीक है। जनप्रतिनिधि यदि इन समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है तो उनको जागरूक कौन करेगा? मीडिया करेगी, ठीक है जी, और विपक्ष करेगा, मीडिया करेगी और विपक्ष करेगा जी। सशक्त विपक्ष की जरूरत की कमी जो पूरे प्रदेश में है वो इसी वजह से है, ठीक है ना। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी नजर में, क्योंकि हमारी सरकार है ना। जैसे आपने ये मुद्दे बताए कि ये काम नहीं हो पाए, किन कारणों से डिले हुए हैं, निश्चित रूप से इनकी कमियां हमको भी खलती हैं, किन कारणों से डिले हुए हैं ये तो सरकार बताएगी। सरकार से कौन पूछेगा? जनप्रतिनिधि पूछेंगे। जनप्रतिनिधि वहां कितने जागरूक हैं, कितने नहीं हैं, ये कौन, ये कैसे पता चलेगा? मीडिया के द्वारा पता चलेगा। यदि जनप्रतिनिधि उस अपनी सब इन समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है तो उनको जागरूक कौन करेगा? विपक्ष करेगा। मुझे जब सशक्त विपक्ष होगा इन मुद्दों पे वो अपने आवाज उठाएगा, लोगों की आवाज उठाएगा, धरना करेगा, आंदोलन करेगा, प्रशासन जागृत होगा। निश्चित रूप से सरकार को जो जिनने घोषणाएं की हैं उनकी इतनी व्यस्तताएं हैं, उनके दिमाग में यदि विषय नहीं होगा तो आंदोलन धरने से वो विषय याद आएंगे, तो जहां पे वो रुकावट है वहां कसावट होगी। जनप्रतिनिधि जागरूक होंगे, हम लोग भी जिस स्तर के हैं अपने संगठन में अपनी बात कह सकते हैं, अपने संगठन के उच्च पदाधिकारियों से अपनी बात रखेंगे कि भाई ये एक्चुअल जरूरत है और सच है। जैसे अभी पवन जी ने बताया इस शहर को रिंग रोड की जरूरत है, 3 बार सर्वे हो चुका, उसके बाद काम नहीं हो रहा, कहां फंसा है? तो अब मैं बात जानना चाह रहा हूं यूनिवर्सिटी की बात। जब चुनाव के दौरान संजय रछारिया भाजपा के कमल निशान पर वोट मांगने जाते हैं, तब क्या जनता से आप ये कहते हैं कि मैं आपका वोट तो ले रहा हूं लेकिन सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछना? नहीं नहीं नहीं, जनता देखिए देखिए मैं बताऊं, जनता हमसे जो पूछती है उसको हम जवाब देते हैं। जनता को हम पे इतना भरोसा है कि हम जो कहते हैं वो होता है, 10-15 साल में हमने करके दिखाया है। लेकिन अब यदि हम 100 काम करेंगे उसमें से 5 काम छांट लोगे आप जो अधूरे रहे तो निश्चित रूप से अधूरे होंगे, मैं मानता हूँ अधूरे हैं। तो 5 काम जो अधूरे हैं उनके जवाब मीडिया को कौन देगा, आप मुझे बताओ? मीडिया को संगठन देगा, भाजपा देगी। मैं तो आपको पूरे भाजपा के उस चेहरे सच सच ये है, सच ये है, उसके जवाब जनप्रतिनिधि को देना चाहिए, है ना। मुझसे आप जवाब मांगो तो मैं कहूंगा कि इसमें कहीं अभी काम होने वाला है, कहीं कुछ है, सच्चाई है। अभी अपन यदि एक्चुअल जनता की बात करें, लोगों की समस्याओं की बात करें, तो इन मुद्दों में कहां कमियां हैं और वो कमियां दूर कितनी जल्दी होंगी, रुकावटें, वो विपक्ष के जागरूक होने से मुझे लगता है शायद जल्दी ज्यादा हो जाएंगे, होंगे जरूर। यदि नहीं होंगे तो 1 साल में होंगे, रूटीन में जो कमियां दूर होंगी उनमें 1 साल लग जाएगा। विपक्ष यदि उसको मजबूती से उठाएगा तो मुझे लगता है वो 2 महीने में भी खत्म हो सकती है, 6 महीने में खत्म हो सकती है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए विधायक, सांसद और मंत्री या मुख्यमंत्री, सरकार में सब कुछ नहीं होता। सरकार में बहुत बड़ा रोल ब्यूरोक्रेट का भी होता है और ब्यूरोक्रेट कई कामों को किसी कारणों से रोक देता है, उसका इंटरेस्ट नहीं, उसको वोट लेने नहीं जाना। उस ब्यूरोक्रेट को काम कराने के लिए जागरूक कौन करेगा? हम करेंगे। हम यदि किसी विषय को भूल गए हैं तो हमको कौन याद दिलाएगा? चलिए, पहली बार एक ऐसा स्पष्ट नेता हम बिठा के रखे हैं जो बड़ी साफ गोई से ये कह रहा है कि हमसे भी काम कराने के लिए विपक्ष ठीक से ढूंढ के लाइए और मीडिया वाले आप लोग भी सही काम करिए। प्रभात जी, इन सारे विषयों पर जो मैंने रखे हैं, निश्चित तौर पर संजय ने जितनी ईमानदारी से इस जवाब को दिया है वो कहीं ना कहीं गाइडलाइन के बाहर आके उन्होंने इस जवाब को दिया है कि एक नीरसता तो है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है भाजपा की, वो चाहे उनकी अनजाने में हो या जानकर हो, विषय नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष भी क्या कर रहा है, एक भाजपा का भी आपसे कह रहा है नेता कि आप विपक्ष के नाते भी आपको ठीक से काम नहीं आ रहा है करने में। इन सारे विषयों पर वाकई अभी जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, कांग्रेस भी क्यों मौन साधे हुए? देखिए, छतरपुर में पिछले 5 वर्षीय में भी कांग्रेस का विधायक नहीं था, वर्तमान में भी नहीं, केवल आज की स्थिति में कांग्रेस से राजनगर से एक विधायक है जो कांग्रेस के हैं, केवल वही बोल सकते हैं। विधानसभा की स्थिति आपको पता है कि सत्र में विरोधी विधायकों को बोलने का मौका मिलता है, तो आप पिछले सीजन से उठा लें कितने दिन सत्र चलाए जाते हैं, 10 दिन का सत्र घोषित होता है, 3 दिन में खत्म कर दिया जाता है, कभी 4 दिन में खत्म कर दिया जाता है, पूरा समय विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता। आपको ध्यान होगा वो अविश्वास प्रस्ताव जो बिंदुवाल लाए गए थे उसमें भी छतरपुर का एक मुद्दा था, अपने बक्सवाहा वाला जो हीरा खदान से संबंधित था, उसमें क्या हुआ था,
एक नेता को तोड़ के ही भाजपा में शामिल करके उसको खत्म कर दिया। मेरा कहना उससे नहीं है, पुरानी बातों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से कि मुद्दा उठ ना पाए, गवर्नमेंट सरकार जो है भाजपा की जवाब देने से बचती है। आज भी आपको हमारे अभी नेता विरोधी दल ने कल ही ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई थी कि इस बार हम एक एक मुद्दे को विधानसभा में जो सत्र बजट का शुरू हो रहा है फिर रखी जाएगी। आप हमारा पिछला घोषणा पत्र उठा लें, अभी नियरेस्ट नगर पालिका का भी उठा लें, उसमें भी इन मुद्दों को शामिल किया गया था कि ये हम काम जो नगर पालिका लेवल से ये करेंगे, बाकी हम जो ऊपर के लेवल के हैं उनको कराने का काम करेंगे। विधानसभा का आप उठा लीजिए, जो हमारे प्रत्याशी ने जो विधानसभा का अपना घोषणा पत्र दिया था, चलिए ये काम करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास विधायक नहीं है, आप विधानसभा में आवाज नहीं उठा सकते, इस बात को फिर भी माना जा सकता है, लेकिन प्रभात अग्रवाल, मनोज त्रिवेदी, आलोक चतुर्वेदी, मुन्ना राजा, जगदीश शुक्ला, इन लोगों को आंदोलन और धरने करने से कौन रोकता है? देखिए सब तरह के धरने किए गए, आपके सामने यही धरने किए गए, लेकिन समस्या ये हो रही है कि केवल धरनों से अब इस सरकार को समझ में कुछ नहीं आता। उतनी वहां पे विधानसभा में यदि सही पावर हो बोलने का तो वहां पे ज्यादा मजबूती से आवाज जाती है। जहां तक ब्यूरोक्रेट्स की भी संजय जी ने बात करी थी, ब्यूरोक्रेट्स पे लगाम कौन लगाता है? सत्ताधर। आज की स्थिति हो गई कि ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गया है सरकारी तंत्र पे, वो आज इनकी भी बेनकाब कर रहे हैं। और बेनकाब आज के जन जो भाजपा के नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो खुद लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, उनकी जान कांग्रेस ने मारी है। रुकेंगे एक मिनट, मैं आपको एक बार फिर से सलाह दूंगा, आप फिर से पुनः स्मरण करिए, यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस ने अभी तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया है। एक मिनट, मैं एक प्रभात जी की बात पे कहना चाहूंगा कि प्रभात जी कहेंगे कि धरने से कुछ नहीं होता है, धरने ने ही उनकी पार्टी का हस्त कर दिया है, धरने प्रदर्शन से ही उनकी पार्टी कांग्रेस का जो हस्त हुआ है, विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो हस्त कांग्रेस का आज है पूरे देश में, वो आम आदमी पार्टी की आप सिर्फ सत्ता का मजा लेते हैं और उसके बाद खो जाते हैं। छतरपुर में कुछ पत्रकार मिलकर अगर मेडिकल कॉलेज की मांग को उठा सकते हैं और आज 10 दिन में एक आंदोलन खड़े होने की स्थिति में आ गया है, तो एक राष्ट्रीय दल जो की 125 साल पुराना राष्ट्रीय दल है, उसकी जिला इकाई कुछ नहीं कर सकती। देखिए पत्रकार जब कोई मुद्दा या जनता जब मुद्दा उठाती है, जो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, कोई आप पार्टी ने नहीं वो आंदोलन किया था, वो आंदोलन एक बहुत वरिष्ठ अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में हुआ था आंदोलन, वो एक आंदोलन था जिसमें जनता जगी थी। आज जो आप लोग पत्रकारों ने मेडिकल का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मैं भी उसमें शामिल रहा एज ए कांग्रेस पार्टी या व्यापारी अध्यक्ष के नाते, मैं भी उसमें शामिल हूँ। वो मुद्दा जब जनता की तरफ से उठाया जाता है, कोई भी मुद्दा हो, उसमें फिर दलगत भावना से मुझे आम आदमी पार्टी के साथ जो जनता धरने पर बैठती थी, वो इसलिए बैठती थी क्योंकि उनका पहले आप उसको सुधार लीजिए, वो आम आदमी का धरना नहीं था, आपकी जानकारी को दे दें, वो धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का नहीं था, एंटी उसका था, जो एंटी कांग्रेस मान लीजिए, एंटी करप्शन के खिलाफ था, जो अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में था, उसमें सब लोग शामिल थे, उसमें किरण बेदी भी शामिल थी, उसमें ये लोग शामिल थे, इन लोग बाद में उस आंदोलन का फायदा लेने के लिए, वो आंदोलनकारी आज वोटर में कन्वर्ट हुए कि नहीं? नहीं बिल्कुल हुए, फिर उसी का विश्वास जीता था, उसी का सब है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते वो किसी पार्टी ने, जिस दिन वो पार्टी से आंदोलन उठाया गया था, उसी दिन जब वो पार्टी से आंदोलन, आपने फिर उसके बाद भी दिल्ली में देखा होगा, एक दिन भी नहीं चला था। चलिए पवन जी इसको छोड़िए, ये जो 5-6 प्रमुख मुद्दे हैं, इनको लेकर क्या रोडमैप बनेगा? कम से कम कांग्रेस से बेटर परफॉर्मेंस करेगी आम आदमी? बिल्कुल बनेगा और बनना भी चाहिए था। कांग्रेस अगर इस तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिम्मेवारियों से या अपनी व्यस्तताओं की वजह से, कांग्रेस जो अपने के जो छतरपुर जिले के नेता है वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं और उसको इस तरह से वो छुपाने की कोशिश करें तो ये उनका विषय है। लेकिन आपको शुभकामनाएं, आगे आप करिए, हम लोग आपके पीछे सहयोग कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ शहर के नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर चीजें हो। यदि आप आंदोलन करके फायदा तो उसका सरकारी पक्ष लोगों को मिल रहा है। जी संजय जी, क्या आम आदमी पार्टी में वो गुण लक्षण मध्य प्रदेश और छतरपुर में आप देखते हैं कि वो एक तीसरी ताकत के रूप में स्थापित हो सकती है? देखिए उत्तर प्रदेश हमारे जिले से लगा हुआ प्रांत था, वहां जब बीएसपी की सरकार बनती है तो आदमी के सामान्य रूप से आदमी के दिमाग में बैठता है कि बीएसपी अब मध्य प्रदेश में भी छाएगी। सापा की जब सरकार होती है तो लोगों के दिमाग में आता है कि सापा भी छाएगी। पूरी बात सुनिए, कुछ दिन तक उस दल के क्षेत्रीय लीडर सक्रिय होते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं आप पार्टी में भी ऐसा ना हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है और आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसी ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन धरने किए, लोगों की समस्याओं को ऊपर तक लेके आए,
अन्य दलों में होने वाली अन्य दलों में कमियां जो हैं या अन्य दलों के द्वारा जनता के बीच में जो कमियां छूट रही हैं उनको उठाएंगे तो निश्चित रूप से स्थापित हो जाएंगे। लोकतंत्र के हित में इनका स्थापित होना जरूरी है जी। लेकिन स्थापित हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये इनकी सक्रियता से तय होगा। जहां तक आंदोलन और धरने कई मुद्दों पर कांग्रेस के प्रभात भाई ने कहा कि हमारे विधायक वहां होते हैं बैठते हैं यहाँ ये बैठते हैं वहां वो बैठते हैं। धरने और आंदोलन दो प्रकार के होते हैं, एक खाना पूर्ति अखबार में छप जाए अपने लीडरों को बता दें और एक ईमानदारी का। यदि इस जिले में आपको लगता था कि भाजपा की सरकार कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है गड़बड़ कर रही है उसके खिलाफ आपको आंदोलन धरना करना था, आपका एक विधायक है या एक सांसद है, जैसे सत्यव्रत चतुर्वेदी जी भी सांसद यही से माने जाएंगे, मध्य प्रदेश से सांसद है, छतरपुर के रहने वाले, कभी ये लोग हम कह रहे हारे हुए विधायक अनशन में बैठे क्या आप एक दिन दो दिन चार दिन निश्चित रूप से सरकार भी सामने आता वो सिर्फ वहां से निकले और ज्ञापन देके घर बैठ गए। ये मुझे लगता है आंदोलन धरनों में दो प्रकार होता है वो खाना पूर्ति तो दूसरा वाला प्रकार का धरना और आंदोलन की कमी है जिसकी जिस कमी को जो लोकतंत्र को कमजोर करती है इस कमी की दूरी पूर्ति करने के लिए ही मेरे दिमाग में यह है कि तीसरे दल को मध्य प्रदेश में आना चाहिए। एक एक सवाल मेरा जो इस पूरी जीत के विश्लेषण से निकल कर आता है पहले पवन जी आपसे पूछेंगे रिश्वत को लेकर जो करप्शन को लेकर एक पूरा कैंपेनिंग अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीतिक यात्रा में देखने को मिला है और कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी जो लहर थी उसका फायदा ही आम आदमी पार्टी को मिला है। क्या छतरपुर जिले में भी वो स्थितियां देखते हैं और क्या अपनी कैंपेनिंग का भी जो मुख्य पॉइंट रहेगा जो मेन मकसद रहेगा वो क्या भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ही रह सकता है क्या क्या छतरपुर में भी स्थितियां हैं? जी स्थितियां छतरपुर में भी हैं पूरे मध्य प्रदेश में भी हैं। एक जो आपने अभी बीच में बात कही थी कि एक नेता फोन कॉल करके काम कर देता था और बात हो जाती थी ये वास्तव में है कि भाजपा के शासनकाल के पहले ऐसी स्थितियां थी कि कार्यकर्ता की इज्जत थी। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए तो वो खुद इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हमारी दो कौड़ी की वो इज्जत नहीं है क्योंकि वो जो है नेता जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है नेताओं पे इतना हावी है कि आपने भी कहा था कि वो पूछते हैं कि सर ऐसा हो जाएगा क्या, ये नहीं कहते कि नहीं ये होना चाहिए जनता के हित की बात है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो है इतने हावी हो गए हैं कि उन्होंने जो है अपने सिस्टम में शामिल कर लिया है रिश्वत को। तो वो रिश्वत खोरी ही मुद्दा होगा ऐसे नहीं, रिश्वत खोरी भी मुद्दा होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं जो दिल्ली में भी थे और वो यहाँ पे भी है। हम लोग उन मुद्दों पे क्या भ्रष्टाचार को लेकर कोई अभियान शुरू किया जाएगा शुरुआती तौर पे क्योंकि यहाँ तो विधानसभा चुनाव काफी देर बाद है काफी देर लोकसभा चुनाव भी काफी देर बाद है। क्या शुरुआत में एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान या जन जागरूकता अभियान या धरने प्रदर्शन इन मुद्दों को लेकर शुरू किए जाएंगे? अब अभी जो है इस चीज का जो है क्या पहले शुरू किया जाएगा क्योंकि मुद्दे पहले वो हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो ज्यादा जरूरी हैं ताकि उठाएं और वो सहजता से दूर हो जाएं। जैसे यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, रिंग रोड का मुद्दा है और आप लोगों के साथ जो है मेडिकल कॉलेज की लड़ाई का मुद्दा है, वो मुद्दे प्राथमिकता पे रहेंगे क्योंकि उनके परिणाम शीघ्र आने आ सकते हैं। रिश्वत का एक जो मुद्दा है वो एक लंबा है और उसमें एक लंबा समय लगेगा तो वो साथ साथ वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यू है, वो एकदम से खत्म भी नहीं होगा और एकदम से जो है उसको उठाया भी नहीं, लेकिन वो कंटिन्यू जैसे ही हमारे पास कुछ ऐसी बात आएगी हाँ अधिकारियों से मिलेंगे कर्मचारियों से मिलेंगे निवेदन करेंगे कि इस तरह से ना करें और अगर नहीं होता है तो उसमें जो भी यथासंभव प्रयास होंगे उनको उसको रोकने के वो हम लोग करेंगे। देखो एक बात और संजय जी ने कही थी जो कि कही ये पार्टी जैसे सापा और बसपा का उदाहरण दिया तो देखिए सापा और बसपा एक कैडरवास पार्टी उनका एक वोट बैंक होता है और उस वोट बैंक की मानसिकता जो है उससे जुड़ी होती है तो अन्य जो अन्य आम आदमी होता है उससे कट भी जाता है क्योंकि कहीं कोई जातात पे आधारित है कहीं कोई धर्म की राजनीति कर रहा है। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है, मूलतः तो ये युवाओं की पार्टी है। सबसे पहली चीज युवा जो है वो आज बदलाव चाहता है, उसको काम चाहिए, उसको एक नया भारत का निर्माण का वो सपना देख रहा है कि हमारा क्योंकि उसके सामने भी जिंदगी पड़ी है, वो अभी स्कूल में है कॉलेज में है या वो कॉलेज से पास आउट हुआ है तो उसको उसको जो है ना तो अब इस समाज में जो युवा है ना तो उसको जाति से मतलब रह गया है ना धर्म से मतलब रह गया है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में है और सबको बराबर मानता है तो वो युवा इसका मूल आधार है मूल कार्यकर्ता है। इसके अलावा अन्य जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनके लिए जाति पात धर्म का महत्व नहीं है वो इसके लिए जो है जड़ी बूटी का काम करते हैं संजीवनी का काम करते हैं। तो इस तरह से ये पार्टी जो है
इसलिए सफल होगी क्योंकि इसमें कोई एक वर्ग विशेष का नेतृत्व तो नहीं है कि नहीं, एक वर्ग विशेष की पार्टी है, ये सबकी पार्टी है, आम आदमी की पार्टी, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है, जो भी व्यक्ति शासन से असंतुष्ट है, परेशान है, उन सबको इसमें स्थान मिलेगा। इसलिए ये पार्टी निश्चित तौर पर, संजय जी को जो है मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि बसपा और सपा जैसी तो नहीं, बसपा और सपा जैसी नहीं होगी, अपना काम करेगी। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, पवन राजावत जी ठीक है, संयोजक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव पूरे देश में लड़ा था और उसके रिजल्ट के बाद आम आदमी पार्टी ने निष्कर्ष किया था अपने आप में बैठ के कि अब हम केवल दिल्ली तक की राजनीति करेंगे और उनने पूरी जगह से केवल दिल्ली में ही, हाँ तो दिल्ली का इलेक्शन हो गया, अब ये उनको तय करना है कि उसके बाद वो पार्टी दिल्ली तक नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई, वो पूरे अब वो क्या करेंगे, पहले उस लेवल से आए, फिर वो बनाए, फिर अपना संगठन बनाए। पवन राजावत जी को पहले ही मैं शुभकामना दे चुका हूँ कि आप भी अपना संगठन बनाए, नहीं दिख रहे थे आप कहाँ हो, आप देखोगे, बनाएंगे तब आएगी, अभी बहुत शुरुआती बात है और उनको वहाँ पाने के लिए, क्योंकि वहाँ उनको वो आंदोलन का पूरा बेनिफिट दिल्ली में के लिए था, वो उनने लिया मिला वो जनता, अब यहाँ करना है तो निश्चित तौर पे आपको भी उसी लिए काम करना पड़ेगा और जनता के बीच में आप रहेंगे, काम करेंगे। आप एक चीज बताइए, मुझे आप एक चीज बताइए, एक मिनट जी, आंदोलन का बेनिफिट 2013 के जो चुनाव हुए थे उसमें ले लिया था, अगर कहना चाहेंगे, नहीं नहीं उसमें पूरा नहीं मिला था, उसके बाद उसमें कांग्रेस के समर्थन से बनाना पड़ेगी इसलिए छोड़ के गए थे। उसके बाद जी ये जो आज जो रिजल्ट है 49 दिन के काम का रिजल्ट, 49 दिन के काम का रिजल्ट है और एंटी बीजेपी के रिजल्ट है। देखिए मैं इस पे बात का जवाब देना चाहता हूँ, आंदोलन का लाभ इस पार्टी को इस चुनाव में मिला या नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज का लाभ मिला कि आम आदमी पार्टी वहां की जनता में अपना विश्वास जगाने में सफल रही, सफल कि हम आपकी इन समस्याओं के निदान के लिए लड़ेंगे जी, लोगों ने भरोसा भी किया, वो विश्वास जीतने वाला जो विषय है, विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है लोगों के भरोसे को जीतना। लोगों के भरोसे को आप कब जीत सकते हो, जब उनकी समस्याओं का ईमानदारी से उठाओ, मतलब सत्ता पक्ष काम नहीं करेगा, सत्ता पक्ष जो काम आपने जो घोषणा पत्र में घोषणाएं करी, आपने जो वादे किए वो आप पूरे नहीं करेंगे, लेकिन विरोधी दल नहीं उठाएंगे आपके लेवल से, वो पूरा नहीं किया जाएगा। आप भी उठ के करें तो अच्छा लगेगा, वो भूमिका हर बात का जवाब मैं दे सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जवाब देने की जरूरत ही नहीं, हमने लेकिन जो बात है बता दो, एक मिनट, वो थर्ड फ्रंट की भूमिका की बात कर रहे हैं, लोगों के काम हमने नहीं किए होते तो हम 15 साल से चुनाव नहीं जीत रहे होते। आप ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो, तो दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बनी, तो वो स्थिति बनाने के लिए तैयार हो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, स्वीकार करेंगे, भाजपा की निंदा करके खुश होना छोड़ दीजिए, भाजपा हमने आपको निंदा करना सीखे, जो शहर के मुद्दे पे बात हो रही है उनकी बात हो रही है, आपने घोषणा करी काम आपको कराना, छोटा सा सवाल ये, हम तो विरोधी नहीं उठा रहे इसलिए हम नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा हम नहीं करेंगे, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जो काम पे हमारी नजर नहीं जा रही है उस काम को उठाने का काम किसका है। सर जी एक मिनट, प्रभात जी एक वन लाइनर क्वेश्चन ये है कि आप कंपटीशन किससे मानते हैं, क्योंकि भाजपा तो काफी आगे नजर आती है मध्य प्रदेश में, क्या आप कंपटीशन फाइट जो होगी छतरपुर में या मध्य प्रदेश में वो आम आदमी पार्टी के साथ होगी, कांग्रेस की? कांग्रेस की फाइट जब भी होगी सत्ताधारी दल के साथ ही होगी, एक राष्ट्रीय दल है, जीत हार लगी रहती है, कांग्रेस ने बहुत साल शासन किया, बहुत पुरानी पार्टी है, हार भी देखी है, जीत भी देखी है, फिर हारे फिर पूरा प्रयास करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं मुद्दे उठाना पड़ेंगे, जनता के बीच में उसी ताकत से और संगठन की क्षमता के साथ जाना पड़ेगा। इन आंकड़ों से फर्क नहीं पड़ता कि जिस दिल्ली में सदियों से कांग्रेस की तूती बोलती रही उस दिल्ली में आज आपकी एक भी सीट नहीं है, इन आंकड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता? दिल्ली के लेवल पर निश्चित तौर पर, देखिए हर प्रांत का अपना अपना गणित होता है, यदि आप ऐसा लें तो बहुत से मध्य प्रदेश में कोई रिफ्लेक्शन नहीं, मध्य प्रदेश में अभी मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ फर्क होना। जिन जिन राज्यों में तीसरा दल खड़ा हो गया वहां कांग्रेस रसातल में चली गई, आप एक राज्य मुझे बता दो जहां चुनाव हुआ हो और तीसरा दल खड़ा हुआ हो भाजपा और कांग्रेस के अलावा, वहां कांग्रेस तीसरे पे चली गई। जिस दिन मध्य प्रदेश में तीसरा दल खड़ा हो जाएगा कांग्रेस रसातल में चली जाएगी। सच ये है कि कांग्रेस की लीडरशिप को बैठ के अब ये विचार करना चाहिए कि हम इस देश में सेकंड नंबर की पार्टी रह पाएंगे या नहीं, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, उसमें ज्यादा भला है पार्टी, कांग्रेस को विचार करना चाहिए इस विषय में, और जो भी सत्ता में रहा आम आदमी पार्टी भाजपा को किस तरीके से कंपटीशन दे सकती है? नहीं, भाजपा को कंपटीशन के लिए, भाजपा को तो चुनाव लड़ना है, हमारा प्रतिद्वंदी मजबूत होगा तो हमको चुनाव लड़ने में मजा आएगा,
ये मजे मजे वाली बातें नहीं, निश्चित रूप से नहीं, मजे का मतलब वो मजा नहीं, मजे का मतलब है चुनाव में संघर्ष। हाँ, संघर्ष होगा ना। नहीं, यदि तीसरा आज नहीं मानता, यदि तीसरा दल के रूप में आप आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में खड़ी होती है तब निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने का आनंद अलग होगा। आनंद से मतलब हमको जब फील्ड में मेहनत अपनी क्षमता से ज्यादा करना पड़ेगी, आनंद उसको कहते हैं। राजनीति का मतलब ये है, मेरी क्षमता यदि 8 घंटे या 10 घंटे चुनाव प्रचार करने की है और विपक्ष इतना सशक्त है कि हमको 12 घंटे काम करना पड़े, तो वो आनंद है। चलिए पवन जी, आपसे ही शुरू किया था और आपसे ही खत्म करेंगे। जो 4-5 मुख्य मुद्दे आम आदमी पार्टी के दिल्ली चुनाव में रहे हैं और पूरे देश की राजनीति में उनकी एक सिंबॉलिक पहचान के रूप में रहे हैं, उनमें यह है कि वो एक ईमानदार लीडरशिप देने का दावा करते हैं जी। वो करप्शन फ्री गवर्नेंस देने का दावा करते हैं, वो नए प्रोजेक्ट और युवाओं के लिए कुछ करने का दावा करते हैं। क्या इन 3-4 बड़े सिद्धांतों पर छतरपुर में भी काम होगा या फिर यहाँ की परिस्थितियों के साथ समझौता शुरू हो जाएगा? नहीं नहीं, उन्हीं मुद्दों पर देखिए, हम अगर उन मुद्दों से भटक जाएंगे तो हम यहाँ पे पहचान खो देंगे, पहचान बना ही नहीं पाएंगे कह लीजिए। अगर हमें आप कैमरे के सामने ये आश्वस्त करें लोगों को कि उन सिद्धांतों के साथ कोई समझौता बुंदेलखंड की धरती पे, कोई समझौता नहीं बुंदेलखंड की धरती पे जो है उन सिद्धांतों के साथ होगा। वही ईमानदारी, वही निष्ठा और वही जनसेवा की भावना के साथ हम जो है एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और अगली बार जो है अगले जो भी इलेक्शन है होगा भाजपा के साथ में हो या कंपटीशन कांग्रेस के साथ में हो, उसमें बिल्कुल डट के जो है जनता के साथ का के मुद्दे लेके खड़े होंगे और निश्चित तौर पे सफलता पाएंगे। चलिए, हम आपको बताते रहेंगे कि कब हमने पवन राजावत को बुलाया था और किन मुद्दों को उनके जहन में डाला था और अब तक पार्टी ने क्या किया है। लोकतंत्र के लिए दिल्ली के चुनाव का परिणाम एक बड़ा दिन साबित हो सकता है। लोकतंत्र में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन स्थापित करने के लिए ज्यादा लोगों को, ज्यादा पार्टियों को आना चाहिए ताकि जनता के बीच सेल्युलर कंपनियों की तरह एक कंपटीशन बना रहे और ग्राहकों का मुनाफा, जो ग्राहकों का फायदा है वो बढ़ता रहे। छतरपुर में इस डिबेट को करने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम इस डिबेट के बहाने कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी को उनके चेहरे दिखा सकें कि छतरपुर में वो क्या कर सकते हैं और काम करने से क्या परिणाम आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। आप सभी स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।